नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं कि आप लाइव अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन रहेगी जो हमें फॉलो करना है। तो आज हम लाइव बताने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको हम लाइव बताने वाले हैं किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आ चुके हैं और डायरेक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप हमने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। ठीक है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है सर्वर डाउन होने के कारण। तो चलिए, यहाँ पर आपको साइट में दिख रहा होगा रिक्तियां खोजें, रिक्तियां खोजे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल टू कलर वाले पर हमारा एक ऑप्शन आया है, तो हम इस पर जैसे ही व्यू वाल पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक से अधिक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं नहीं। अगर हम कर सकते हैं एक से अधिक कोर्स में अप्लाई तो कितने अधिकतम कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई कर देख लेते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाली में ही। ठीक है, हम इस पर जैसे अप्लाई वाले व्यू पर क्लिक किया यहाँ पर 885 कैंडिडेट 55 कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है और कर्मचारी की संख्या केवल 144। तो हम इस पर जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद यस पर क्लिक कर दी। यस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आईडी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर हमारा आवेदन हो चुका है, स्थिति जानने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पेंडिंग है, कार्रवाई की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर कार्रवाई स्थिति पर जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे अगर आपका इसमें नंबर लगता है तो आपको यहाँ पर जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेक कर लेते हैं और देख लेते हैं अब हम और कितने सेक्टर में इसमें आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक में यहाँ पर कर दिया है, अब हम एक में और करके देखते हैं। डायरेक्ट हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया गया है। तो आप केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं, एक आवेदन कर दिया, आप एक आवेदन कर सकते हैं। हम दूसरा आवेदन यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं हम दूसरे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी किए गए आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये भी अप्लाई हो चुका है लगभग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, हम जितने चाहे सभी पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा आवेदन हो चुका है, ये भी आवेदन कर देते हैं। ठीक है, सभी हम आवेदन अप्लाई कर देते हैं ताकि जिसमें हमारा नंबर लगे वो लग जाए। ठीक है, मेन बात आपको एक बता देता हूँ, तो हम जैसे यहाँ पर अप्लाई वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें आप अप्लाई कर चुके हैं, इसमें व्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे। ठीक है, व्यू वाले पर आप जैसे करेंगे तो 20 यहाँ पर कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जिसमें कर्मचारियों की संख्या 166 है। अगर ठीक है यहाँ पर आपने ज्यादा नहीं कर दिया होगा तो यहाँ पर आपको इसमें आपको जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आपको ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम बेक कर लेते हैं, सभी में आप अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कम से कम 8 से 10 सेक्टर में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, 8 से 10 सेक्टर में अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर आप चले जाते हैं आवेदन की स्थिति में, देख लेते हैं कितने सेक्टर में हमने आवेदन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 सेक्टर में हमने आवेदन अप्लाई कर दिया है। जैसे इसमें अभी आवेदन पेंडिंग है, यहाँ पर अप्रूवल लिखा है तभी कुछ होगा। तो ऐसे अगर कोई हमारे पास अपडेट आती है तो हम आपको जरूर सूचना करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।